कर रही है जी, अपन जुडिशरी से पूरा यकीन है, सच्चाई सामने आ रही है, सरकार बदले की भावना ना धक्का कर रही है। और सब छोटा गिरफ्तारियां हुई है, तुसी किस तरह देखते हो सत्ता जिहड़े सारियां सारियां बदले की भावना है, सरकार धक्का कर रही है, सरकार को करन नु कुछ नहीं, लोगों का ध्यान डिवर्ट कर। लेकिन सरकार तो कह रही काफी घोटाले हुए हैं, जिहड़ा इंडस्ट्री प्लॉट दे स्कैम नु लेके सारी सच्चाई कोर्ट ते विश्वास है, सारी सच्चाई सामने आ रही है। सरकार ने करोड़ों रुपये का रेवेन्यू आना सी, करोड़ों रुपये का जिहड़ा रेवेन्यू की गल हुई है उन्होंने तुसी कुछ कहोगे, कहते कि काफी घोटाला जिहड़ा हैगा। सर एक एप्लीकेशन मूव की थी उन्होंने प्रोसीक्यूशन ने पुलिस वाले ने कि सानू जो है इन्हों की पहला तो अरैसट पानी चाहिए फॉर्मल इस केस दे विच और फिर एक दिन का रिमांड चाहिए, वो कॉमन रिक्वेस्ट सी उन्होंने अरैसट की जी सी उन्होंने अलाउ कर दी गई कोर्ट ने, फिर कोर्ट च उन्होंने एक दिन का रिमांड मंगया जो असी मेरी लीगल टीम मिस्टर जतन जी सारे असी पेश होए, असी अपोज किया भी उन्होंने रिमांड लिए कोई लॉजिक नहीं है रिमांड देने के लिए, क्योंकि जो एलीगेशन उन्होंने खिलाफ इनकुआरी चाहे जा एफ आई आर चाहे सिर्फ एक एलीगेशन ही आया भी कोई लैटर जो है उन्होंने जारी किया भी प्लॉटों की वेरीफिकेशन कर दी जाए, उन्होंने तो इलावा उन्होंने खिलाफ नॉट मोर दैन दैट नॉट अ सिंगल एलीगेशन अगेंस्ट दैम भी उन्होंने कोई होर कुछ किया जो उन्हें कोई कमेटी बनाई ज कमेटी के कभी कोई मैंबर रहे ज किसी भी स्टेज पर कमेटी उन्होंने ज्वाइन किया ज कमेटी ने जो भी कोई प्रपोजल बनाई उन्होंने कोई अपरूव किया, उन्होंने अपना केस है भी वह नहीं किसी भी ज्वाइन पोजिशन से ज्वाइन किया किसी भी पॉइंट से उन्होंने ज्वाइन किया। इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे ने सांत सुंदर जी, उस टाइम कोई किसी तरह का कोई एलीगेशन सगा इन्हों जो क्यों फिर इन्होंने प्रोडक्शन बनाने की आधार की बनाया गया जो लगता है कि पोलीटिकल गेम है। सॉरी सर ओनली पोलीटिकल वेंडिक्टा है जो मैंने लगता सर, कोई ग्राउंड नहीं है रिमांड की, जिहड़े दूसरे भी कोक्यूज फड़े गए मैं उन्होंने रिमांड पेपर भी पढ़े, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी मैं देखी है सर, जो इन्वेस्टिगेशन हुई उन्होंने जो उन्होंने खिलाफ आई उन्हें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया, इस जो इनकुआरी हुई इनकुआरी के सब बुलाया गया और महकमे तो टाइम टू टाइम इनफॉर्मेशन मंगी गई भी तुम इनफॉर्मेशन दो इन्होंने फ्लाइटों के बारे, उन्होंने अपनी कानूनी राय लैके और अपने कानूनी जो वकील से उस टाइम के डिपार्टमेंट के बिहाफ से उन्होंने कानूनी राय लैके हरेक चीज़ को हरेक प्रोसीजर फॉलो किया और फॉलो करन तो बाद ही उन्होंने प्लॉटों की वंड की गई और कोई बंगलिंग नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज नहीं होया, नथिंग एट दी सॉर्ट, कुछ नहीं है सिर्फ ओनली सिर्फ पोलीटिकल माइलेज लैन लिए जो है ये जो केस है फॉस्ट करता सर। किसी अक्यूज ने नाम तो नहीं लिया कोई, ये कोई नाम तो नहीं दसिया भी हाँ उन्होंने सह के उत्ते जी किस तरह का काम किया, क्योंकि तुम एफ आई आर कहते पढ़ी आ कोई है इस तरह सर, ना तो यह इनकुआरी कोई इदा की गल आई सर, ना एफ आई आर गल आई सर, ना किसी रिमांड गल आई सर, और अज भी रिमांड आर्गू होया जो कि बाकी सारे बंद रिमांड हो चुके हैं, एक कितने भी किसी ने आर्गू नहीं किया पुलिस वालों या विजिलेंस वालों या पी पी साहब वालों भी कोई जी चीज़ सी इन्हें शह पर की गई ये किसी ने नहीं किया, वो भी इतने एक ही चीज़ आर्गू हुई भी एक लैटर इशू किया और लैटर बारे इन्होंने पूछना है, तो साड़ी ये बहस भी जो लैटर जारी कर भी दिता गया तो सिर्फ एक लैटर बीइंग ए स्टेट का हैड जो है उस मिनिस्ट्री के हैड है जिन्होंने लैटर जारी कर दिता भी तुम बायोफिकेट कर दौ वो जुर्म थोड़ो है, अक्सर जो प्लाट्स हैं उन्होंने वंड होनी तो बारे एक मिनिस्टर ने तो लिखना ही ना वंड कर दौ, उस तो बाद जी कमेटी बनी उस कमेटी ने पूरा प्रोसीजर जो अभी फॉलो किया तो कोई जुर्म नहीं है सर। तो हूँ बेल एप्लीकेशन लगाई है हाई कोर्ट से बिलाई सी उ बनया सर इन की इस केस अरैसट पैन तो पहला क्योंकि इस केस एंटीसपेटरी बेल सी असी हाई कोर्ट चले गए सीधा तो हाई कोर्ट ने मानयोग हाई कोर्ट ने कहा भी तुम सीधे उतों रेमडी बेल किए बगैर तुम साढ़े को गए हो तुम इतों बेल विदड्रा करके थले पाओ तो असी इतों बेल विदड्रॉ कर ली, फिर एंटीसपेटरी बेल असी कल इतने मूव की जी कल टेकअप हुई सैशन जज जज साहब के, फिर सर उन्होंने अज तो रखी सर, अज सवेरे पता लगा भी रिकॉर्ड थले चले गया तो जज साहब ने 2 बजे रख ली, इन दी मीन टाइम थले एप्लीकेशन पा के और जी थी अरैसट पै गई तो उसकी बेल एप्लीकेशन इनफ्रक्चर हो गई सर क्योंकि मेंटेनेबल नहीं रही सर। हूँ फिलहाल एक दिन का रिमांड है, एक दिन का रिमांड है कल फिर दोबारा पेश करूँगा।